मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों पर स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसा। डीएम के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने कई मेडिकल स्टोर पर छापेमार कार्रवाई की। कपड़े से बना मास्क मिलने पर एक दुकान बंद कराई। नगर समेत जिले की कई दुकानों में ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई चली। शासन के निर्देश पर डीएम ने जिले भर में मेडिकल स्टोर पर जांच कराई। और इसमें जगह जगह जाके निरीक्षण किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कोई भी एमआरएम से ज्यादा फिर मास्क और सैनिटाइजर ना कुछ मेडिकल स्टोर सील भी किए गए हैं। इसमें मैंने मेडिकल स्टोर सुपर मार्केट में बंसल मेडिकल एजेंसी की जांच की गई है। उसमें दो चार मास्क मिले जो उनने अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए रखे हैं। त्रिपाठी मेडिकल एजेंसी पे सैनिटाइजर उपलब्ध मिला, 39 सैनिटाइजर है प्रेजेंट टाइम का जो कि एमआरपी पे सेल हो रहा है। हमने जो है परचेज बिल दिखाया है, कैश में वो दिखाने जा रहे हैं और वहाँ पे मास्क की भी कुछ उपलब्धता है। इसके अलावा जो है जनता मेडिकल स्टोर पे भी निरीक्षण किया गया जहाँ पे सैनिटाइजर आयुर्वेदिक सैनिटाइजर पाए गए। इसके अलावा वैश्य मेडिकल स्टोर शाहगंज पे जाँच की गई जहाँ पे कोई भी स्टॉक उपलब्ध नहीं मिला। कृष्णा ड्रग हाउस शाहगंज के जांच के दौरान कुछ मास्क मिले थे जो कि कपड़े के बने थे, वो मौके पे वहाँ पे कोई फार्मासिस्ट नहीं था, कोई सेल परचेज का बिल नहीं दिखा पाए हैं, जिसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 22(b) के अंतर्गत बंद तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया गया है। जैसे ही वो अपना फार्मासिस्ट क्रय विक्रय अपडेट प्रस्तुत कर देंगे उसके बाद वो दुकान खोल सकते हैं। ओवर रेटिंग का मामला भी आ रहा है। ओवर रेटिंग अभी जितना भी निरीक्षण किया गया वहाँ पे तो कोई भी ऐसा स्टॉक कम उपलब्ध है, ऐसा अभी फिलहाल तो कोई ऐसा ओवर रेटिंग नहीं मिला है। ये एक जनता को मैं मैसेज भी देना चाहती हूँ कि ये कोई भी किसी को हरासमेंट करने के लिए नहीं हो रहा है। और जितने भी मेडिकल स्टोर है उन सबसे अपील है कि ये ऐसा समय है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा खोलिए। आप बस जो भी माल खरीद रहे हैं बिल पे खरीदिए, बिल पे बेचिए, एमआरपी पे बेचिए और जो भी बेच रहे हैं वो सही बेचिए। और आप लोग अपना भी पर्सनल, आप लोग अपनी हाइजीन पर्सनल साफ सुथरे रखिए, अपनी दुकान पे सफाई रखिए और बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो। हमें जब पन्नी पाएगा उस पर क्या करा गया? बाकी एसडीएम बाकी नायब तहसीलदार हमने सुना कि आपने उसको छोड़ दिया है।